नमस्कार, मैं सुरक्षा रस्तोगी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 15 दिन बरेली का संपूर्ण बाजार बंद कराने को लेकर व्यापारियों ने डीएम से की मुलाकात। आपको बताते चलें कि बरेली में कोविड-19 बीमारी का संक्रमण बरेली में बुरी तरह फैल चुका है, जिसके कारण संपूर्ण व्यापारी वर्ग भयभीत है। इसके बरेली के समस्त व्यापार मंडल चौपला चौराहे पर कार्यालय में एक बैठक की सामूहिक रूप से आयोजन किया। इसमें 15 दिन के लिए स्वेच्छाएं सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया। 7 जुलाई से 15 जुलाई देने के लिए लागू होगा। संयुक्त व्यापार मंडल पहले सभी को पोस्टर लगाकर साउंड लगाकर सूचना देगा। सभी व्यापारी दुकानदार 7 जुलाई से 15 दिन के लिए संपूर्ण बाजार बंद किया जाएगा, क्योंकि बरेली कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बैठक में विशाल मल्होत्रा, सुरेंद्र रस्तोगी, शोभित सक्सेना, सुधीर पांडे, अमरजीत सिंह, आदेश प्रताप सिंह, देवेंद्र जोशी, अजय जेटली, रामप्रकाश शुक्ला आदि ने जिलाधिकारी से बात की। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया, हम पहले बात कर लें तभी आपको बताएंगे। विशाल मल्होत्रा, राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल। ये व्यापारियों की सुरक्षा हेतु बंद के ऊपर एक चर्चा बुलाई गई थी। हम चूँकि हम लोग देख रहे हैं व्यापारियों के अंदर, जिस हिसाब से बरेली शहर के अंदर कोरोना बम फट रहे हैं, इतनी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, तो अपने व्यापारियों के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए आज ये संयुक्त व्यापार मंडल की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्णय और चर्चा करी गई थी। तो अभी चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है। जैसा कि हमने देखा है, अभी शहर के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के चल रहे हैं। 70% दुकानें शहर में ऐसी हैं जिनके आगे गोल घेरे हुए बने हुए नहीं हैं। डीएम साहब का भी और गाइडलाइन भी थी, हर दुकान पे अपने सैनिटाइजर होगा और सारे व्यापारी जो हैं दुकानदार ग्लव्स पहन के बैठेंगे। किसी भी दुकान पे इन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। हम जानते हैं इस व्यवस्था के अंदर जब ग्राहक वहाँ पे होता है, दुकानदार उन चीज़ों को नहीं महसूस कर पाता, लेकिन अब अपने परिवार की सुरक्षा है, यदि हमें परिवार चाहिए या व्यापार चाहिए, ये हमें निर्णय करना होगा। और बहुत जल्द हम लोग संयुक्त व्यापार मंडल जो है, जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र देकर, क्योंकि बाजार खुलवाने की मांग भी हम लोगों ने करी थी, आज बरेली की सुरक्षा के लिए, बरेली के व्यापारी और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और उसमें बाजारों को जल्द से जल्द बंद कराने की आह्वान। देखिए, आज बरेली में स्थिति बड़ी भयानक कोरोना की हो गई है। लगभग 200 के आसपास केस होने को हैं और व्यापारी जनता में लगातार भय का वातावरण बना हुआ है। और ऐसे में आज बरेली के संयुक्त व्यापार मंडल ने एक मीटिंग रखी है और इसमें तय किया है कि स्वैच्छिक रूप से व्यापारीगण अपने परिवार को, बुजुर्ग को, बच्चों को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए बाजारों को कम से कम 15 दिन के लिए बंद करें। और ऐसा निर्णय अभी हम लोगों ने लिया है और शाम को जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और जिलाधिकारी महोदय से लगातार बात भी हो रही है। 15 दिन पहले भी हम लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा था जो हम रोस्टर बना रहे हैं, अगर इसमें कहीं भी लगता है कि कोरोना संकट बढ़ता है तो आप लोग हमें राय दीजिएगा, हम उस हिसाब से फिर बर्थ चेंज करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि अब व्यापारीगण, आम जनतागण खुद चाह रहे हैं कि व्यापार बाजार बंद हो, जिससे उनके परिवार और वो सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।